हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीरीज हर की दून। और आज हम जाएंगे बोसलो से गंगाड़। पर उससे पहले है 8 जून और है मौलिक का बर्थडे, तो थोड़ा सा सरप्राइज दिया हमने उसको। तो आप देखिए कि हमने उसका बर्थडे सबने कैसे सेलिब्रेट किया। हैप्पी बर्थडे डियर मौलिक। तो जैसे कि हमें पता ही था इसका बर्थडे आएगा, एंड ही वॉज लाइक कि मेरा बर्थडे कैसे मनाएंगे हम, कोई सामान नहीं है, कुछ नहीं है। तो थोड़ा सरप्राइज दिया, सामान पहले से ही डेकोरेशन का लेकर गई, छोटे छोटे से जो केक्स हैं वो रेडीमेड जो होते हैं वो लेकर गई, उससे केक बनाया। एंड ही वॉज सो हैप्पी, हैप्पी बर्थडे का। एंड बलून सब ने मिलकर ब्लो करे बलून्स, एंड हमने इसका मॉर्निंग में बर्थडे सेलिब्रेट किया ट्रैकिंग शुरू करने से पहले। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स, मतलब अमेजिंग है ना, ये हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा कि टेंट में बर्थडे मनाया। सो डे 4, अब हम जा रहे हैं गांव ओसला। बीच में रुकेंगे हम दुर्योधन का जो इकलौता मंदिर है पूरे भारत में या पूरे विश्व में वहां पर। और आज लग रहा है कि थोड़ा आसान रहेगा बिकॉज आज हमें उतरना है, फिलहाल तो हम चढ़ ही रहे हैं। तो मिलते हैं आपको मंदिर में। तो जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, हम गंगाड़ आए थे, वो रास्ता डिफरेंट था। ये अब हम वापस जा रहे हैं, हर की दून से वापस सांकरी जा रहे हैं। तो हम ओसलो गांव से होते हुए जाएंगे, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल गांव है। तो वापसी में आते हुए, और वापसी काफ़ी आसान लग रही है हमें, और ये है व्यू। तो ऑलमोस्ट हाफ हमने कवर कर लिया रास्ता, और उसके बाद ये पड़ा है ओसला गांव, जिसमें ये छोटा सा एक स्कूल हमें दिखा। एंड ये जो पूरा रास्ता है, ये पूरा गांव ही है। यहाँ पर 250 के करीब घर हैं और 600 की पॉपुलेशन है। हर घर के अंदर आपको काऊ मिलेगी, गोट्स मिलेंगी, जो बेसिकली इन विलेजर्स का सोर्स है मिल्क के लिए। और यहाँ पर लोग खेती करते हैं आलू की और वीट की, तो उसी से ही ये अपना खाने का भी इंतज़ाम करते हैं, उसी से ही ये पैसा कमाते हैं। फैसिनेटिंग अटायर आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि ओसला गांव के कल्चर को डिपेक्ट करता है। जो ओसला गांव है, ये 8,858 फीट पर है, उत्तराकाशी उत्तराखंड के अंदर। एंड यहाँ पर जो फेमस है वो है सोमेश्वर टेम्पल। अच्छा, मैं ना इसकी हिस्ट्री पूरी पढ़ रही थी, तो कुछ लोग इसे यहाँ पर जो आज की डेट में फेमस है सोमेश्वर टेम्पल के नाम से, बट ओरिजिनली जो कई लोग इसको बताते हैं कि यहाँ जो अभी हम आगे देखेंगे वो दुर्योधन का टेम्पल है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है, मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपकी स्टडी क्या कहती है? ये फेमस जो ओसला गांव है सोमेश्वर टेम्पल की वजह से है या दुर्योधना की वजह से, और एक्चुअली में ये जो टेम्पल है ये दुर्योधन का टेम्पल है या लॉर्ड शिवा का टेम्पल है? लोगों से पूछो तो लोग तो यही बताते हैं कि अभी जो बताना शुरू किया है लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया कि दुर्योधन का टेम्पल है, कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। आप ये देख सकते हो, ये इनकी वॉशिंग मशीन है। मतलब ये लोग एकदम ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर जो डाउरी सिस्टम है ना वो उल्टा है। लड़की को डाउरी नहीं दी जाती, लड़के को डाउरी दी जाती है। कोई भी डिसीजन है फीमेल को हमेशा यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये मुझे इस गांव की कमाल की बात लगी, चलो कहीं तो ऐसा है जहाँ विमेन को पूरा लिबर्टी दी जाती है, उनको सुना जाता है। एक्चुअली में आजकल सब जगह ही सुना जाता है, बट अगर हम हिस्ट्री में जाएं और जो पढ़ते हैं हम, तो ये तो एकदम ट्रेडिशनल गांव है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, और अक्टूबर से मार्च तक आप यहाँ नहीं आ सकते, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है।
और जो लोग यहाँ पर फसल उगाते हैं वो भी कलकत्ती धार में ही करते हैं, बिकॉज यहाँ की जो सॉइल है एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर जगह की सॉइल इतनी आप कह सकते हो फर्टाइल नहीं है जहाँ पर आप कुछ भी उगा सको। तो आप ये देख सकते हो छोटे छोटे से घर हैं यहाँ पर, एंड आराम से यहाँ पर लोग पीसफुली अपना ये खेल रहे हैं, एंड कोई हबड़ दबड़ नहीं है किसी भी तरीके से। ट्रेडिशनल पुराने ही ये, बहुत पुराने ही ये घर बने हुए हैं। तो ये आ गया जो कि कन्फ्यूजन है कि सोमेश्वर टेम्पल है या दुर्योधन का टेम्पल है, तो हम देखेंगे। और एक छोटा सा इंटरव्यू भी मैंने लिया है वहाँ पर, एक लेडी है उनसे, उन्होंने तो बोला दुर्योधन का है। आप ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, आपने क्या पढ़ा है हिस्ट्री में इसके बारे में। तो फाइनली हम आ गए हैं दुर्योधन के मंदिर पर, मंदिर के दरवाजे हमें बंद मिले हैं, एंड ये रहा व्यू। दुर्योधन का मंदिर है ये। दुर्योधन का मंदिर है। तो ये कितने बजे खुलेगा? ओ पूरा मैंने खोल दिया, अभी मैं खोलता हूँ। आप खोलते हो? मैं खोलता। तो अभी खोलोगे आप? बर्ड पड़ेगा वहाँ चढ़ानी, बर्ड पड़ता है चढ़ानी ना, कोई 10 देता है, कोई 20 देता है, कोई 50 देता है, जैसे सब। तो हम अच्छा ओके ठीक है, तो खोल दीजिए। आए तक ना, आए से करना है कर। और दुर्योधन जी की वो नहीं है यहाँ पर कोई? नहीं, वो तो पार है जकुल। हाँ दुर्योधन तो जकुल है। कहाँ पर है? पाली गांव है जकुल। अच्छा जकुल। तो आसपास कुछ लोगों से पूछा तो ये पता चला कि 3rd से 5th August के बीच में यहाँ पर एक मेला रखा जाता है जहाँ पर पालकी से लॉर्ड शिवा को लेकर आया जाता है इस मंदिर में। तो छोटे छोटे से हट्स मिलेंगी जहाँ पर आप ये देखोगे कि इन्होंने अपना सामान रखा हुआ है। तो जो हरकीदून वैली है ना, इसको वैली ऑफ गॉड्स भी कहा गया है। महाभारत के साथ इसको अटैच किया गया है, स्वर्ग रोहिणी पीक जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, और मैंने आपको बताया भी था कि पांडव्स ने चुना था ये। आई डोंट नो, ये भी अगेन एक कन्फ्यूजन है कि यही वैली क्यों चूज़ करी, और यही वैली से उनको लगा स्वर्ग रोहिणी इसको पार कर देंगे और उसके बाद वो स्वर्ग को जाएंगे। तो कहा जाता है कि युधिष्ठिर और उनके साथ जो एक डॉग था वही रह गए थे, बाकी सब के सब नहीं पहुंच पाए। मुझे ऐसा लगता है अर्जुन एंड भीम तो काफ़ी ज़्यादा फिटनेस फ्रीक थे, वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो इससे हम ये भी एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप जिम जाते नहीं जाते हो तो आप ये हरकीदून ट्रैक नहीं कर सकते, तो आप कर सकते हो भाई। युधिष्ठिर ने क्रॉस कर लिया था स्वर्ग रोहिणी पीक, ये तो फिर भी थोड़ा छोटा सा ट्रैक है। तो ये ट्रेडिशनली यहाँ पर आप ये देखोगे लोग ना पहन के रखते हैं इस तरह से, इसकी ना बेल्ट बनाते हैं, एंड इनका जो अटायर है मैंने आपको बताया वो भी बहुत डिफरेंट है, ट्रेडिशनल है, एंड ये बहुत ही सुंदर बनकर आती है जो ये बेल्ट है, बट ये बेच नहीं रहे थे तो मैं खरीद नहीं पाई। तो ये बीच में थोड़े से जो खेत मैंने आपको बताया कि लोगों ने यहाँ पर गेहूँ उगाई है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी DDLJ वाली। सो फाइनली हम गंगाड़ वापस आ गए हैं, और आप ये देख सकते हो ये हमारा बेस कैंप है, एंड ट्रैकिंग भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। कल तो वापस जाना है हमें सांकरी में, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ये जो हमारा ट्रैकिंग है। बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टीप टर्न्स ट्विस्ट थे जो कि असल ब्रेथ टेकिंग थे, बट फाइनली वी डिड इट। और बस अब कल का दिन है, एंड हमने अचीव कर लिया हरकीदून ट्रैक, एंड अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा पानी में रिफ़्रेश होने। आई नो 4 दिन बिना नहाए, मतलब आई कांट इवन थिंक ऑफ इट, बट वी डिड इट। सो अभी थोड़ा सा पानी के अंदर जा रहे हैं और हैंड वॉश वगैरह करते हैं, और आपको फिर से व्यू दिखाती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना पानी साफ उतना नहीं है, पर फिर भी हर कोई अपने आप को वॉश करने में लगा हुआ है। रेतीला है यहाँ का पानी,
तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको व्यू। तो आप ये देख सकते हो जितने भी लोग हमारे साथ ट्रैकिंग के लिए आए थे, आई नो 32 के साथ ट्रैकिंग करना इट वॉज़ लाइक अ काइंड ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस। वी थॉट कि 12 लोग होंगे ट्रैक में, कई ट्रैक्स में हमने देखा है कि सिर्फ 12 लोगों को लेकर जाते हैं, यहाँ 32 लोग थे हमारे साथ में। एंड अब सब लोग यहाँ पर अपनी थकान मिटा रहे हैं एंड पानी जो है बहुत ही अच्छा है, और आप ये देख सकते हो सब लोग अपना मतलब फेस क्लीन कर रहे हैं। मतलब 4 दिन हो गए हैं, अब हर कोई वेट कर रहा है कि कल हम कब सांकरी जाएँ और कब हम अपने होटल में जाएँ और कब हमें नहाने को मिले। तो अभी तो सब लोग रेतीले पानी में ही अपनी डुबकियाँ लगा रहे हैं। एंड दिस व्यू इज़ अमेजिंग, मतलब यहाँ पर आते इतनी रिफ्रेशिंग एयर है, पहाड़ हैं, पानी है, आई मीन इट्स ऑसम। सो लेट मी एक्सपीरियंस दिस ऑसमनेस एंड मिलते हैं आपको फिर ब्रेक के बाद। ट्रैकिंग करना इतना आसान नहीं था एंड ट्रैकिंग के साथ वीडियोस बनाना वो बहुत ही मुश्किल था हमारे लिए। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है। एंड अगर जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। तो मैं जाती हूँ पानी में और फिर आपको वापस। तो जब हम ट्रैक से आते थे हमें कुछ ना कुछ एक्साइटिंग ज़रूर मिलता था। आज हमें मिला पास्ता जिसको खा के सब इतने खुश हुए और हमने इतना पास्ता खाया कि ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार पास्ता खा रहे हो या फिर पता नहीं कितने सालों के बाद हमने पास्ता खाया है। इनको 3-4 बार बनाना पड़ा पास्ता, मतलब सब लोग इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो शाम की ये स्नैक्स हैं और आप देख सकते हो ये व्यू, और ये जो है ना पेड़ दिख रहा है आपको, मतलब ये दिख रहे हैं, ये हमारे ना गाइड हैं। तो दो गाइड हमारे साथ गए थे, उनमें से ये दूसरे गाइड हैं जो कि इन्होंने हमें काफ़ी एंटरटेन भी किया एंड ही वॉज टू नाइस। तो ये इस तरीके से हमारे जो टेंट्स हैं उनको लगाया जाता था, मेहनत लगा करती थी। तो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा एंड आप नेक्स्ट एपिसोड भी ज़रूर देखिएगा। हम पहुँचेंगे गंगार से सांकरी।